आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखी होगी जिसमें बताया गया कि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ, जो गवर्नमेंट से गाइडलाइंस मिली हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह की MLM और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वीडियो देखते रहें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपनी टीम में शेयर कीजिएगा, जहां भी शेयर करना है शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। IDSA ने बोला है कि अब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही है प्रेजेंट में, वो सारी कंपनी लीगल है, किसी भी प्रकार की चिटफंड कंपनियां नहीं है। कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसके अंदर वर्कर्स जो सेल्समैन है, वो काम करने वाले, वो चिटफंड कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनी किसी प्रकार की चिटफंड नहीं करती है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाले लीडर, अगर आप किसी से धोखाधड़ी करते हैं, मतलब आप किसी को लालच देकर सेमिनार में बुलाते हैं या फिर ट्रेनिंग में बुलाते हैं, तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। नंबर सेकंड, अगर आप किसी को सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग में झूठ बोलकर बुलाते हैं, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। शिकायतकर्ता की शिकायत करने पर आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। रूल नंबर थर्ड, आप किसी पार्टनर, प्रोस्पेक्ट, गेस्ट को प्रोडक्ट वैल्यू से ज़्यादा रुपए लेते हैं, जैसे 5,000 का प्रोडक्ट है तो अगर आप उससे 6,000 रुपए लेते हैं, तो अगर उसने शिकायत कर दी तो आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो आप प्रोडक्ट वैल्यू से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते, जो प्रोडक्ट का MRP रखा है वो ही ले सकते हैं, अदरवाइज आप ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते। नंबर फोर्थ रूल, किसी भी कंपनी के ऊपर रूल ये लागू नहीं होता है, उसके अंदर जो काम करने वाले लीडर है उन पर ये नियम लागू होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी लीडर को ये नहीं बोलती कि भाई तू जाकर उसके साथ फ्रॉड कर, उससे चिट फंड कर, क्योंकि कंपनी जानती है इसके द्वारा मेरी गुडविल खराब होती है। इसलिए कंपनी हमेशा लीडर को बिल्कुल सही रास्ता दिखाती है, लेकिन लीडर बीच में बिगड़ जाते हैं और वो किसी पार्टनर से अधिक पैसा ले लेते हैं और किसी को पैसा ले लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो ऐसे लीडर पर कार्रवाई की जा सकती है। शिकायतकर्ता के शिकायत करने पर आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। और कुछ ऐसी कंपनियों के लीडर भी है जो पैसा ले लेते हैं, उनको प्रोडक्ट भी नहीं देते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, 40-45-50-60,000 रुपए ले लेते हैं और बोलते हैं कि आपकी ID बना के देंगे, जो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे लीडर पर कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसे चिटफंड के मामले बहुत सामने आए हैं, 2018 के अंदर ऐसे बहुत से मामले सामने आए थे और मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के कारण भी ऐसे मामले बहुत से सामने आए थे और उस वीडियो के कारण भी काफी लोग सुधरे थे। आज ये वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी, अगर आप इसमें से कुछ भी गलती कर रहे हैं तो आप जेल जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गवर्नमेंट के नियम, ये मेरे नियम नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के नियम हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपनी टीम में शेयर कर दीजिएगा और मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।